बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो। वंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई मारे इन दुश्मन को करे सब दुनिया को आसान। पहुंचावे सबो चरण धनी के तो भी लेना ना तीन गुमान। तो भी लेना ना तीन गुमान। श्री महामत कहे ईमान इष्ट की। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री महामत कहे ईमान इष्ट की। आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब कोई व्यक्ति परमात्मा की ओर आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए। कहते ना कि साधक हो पर साधक के पास साधन अवेलेबल ना हो। यानी जितनी वस्तु की जरूरत है हमें वो वस्तुएं यदि हमारे पास ना हो तो हम कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यात्रा के लिए निकले हैं और यात्रा के लिए साधन ही ना हो तो वो यात्रा कैसी। इसी तरह वाणी के अंदर कह रही कि आध्यात्मिक लाइन भी एक यात्रा है पर ये यात्रा दिखती नहीं, आंतरिक यात्रा है। रास्ता है पर ये रास्ता दिखता नहीं, ये रास्ता आंतरिक है। और आंतरिक रास्तों पर चलने के लिए हमें शरीर से नहीं चल सकते। आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए, धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक चीजों की जरूरत पड़ती है। और उन सारी चीजों को जब तक हम अपना ना ले, अपने जीवन में उसको धारण ना कर ले, तब तक हम उस आध्यात्मिक लाइन के लायक नहीं हो सकते। और आध्यात्मिक लाइन के लायक बनने के लिए वाणी के अंदर यह शब्द पहली चौपाई के अंदर पहला चरण कह रहा श्री महामत कहे ईमान और इश्क की। कि आपको मैं कुछ रत्न दे रहा हूं, कुछ ऐसे साधन दे रहा हूं जिस साधन के माध्यम से आप मेरे तक पहुंच सकते हो। और जब तक आपके पास साधन ना हो तब तक आप कैसे पहुंचोगे। इसलिए सबसे पहले आस्था के नाम पर कोई वस्तु रखी, ईमान के नाम पर कोई वस्तु रखी तो ईमान। ब्रह्म सृष्टि की भी पहचान दी तो आपने वाणी में पढ़ा होगा सात माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार की। सुंदर सात बहुत होंगे पर पक्का वही होगा जिसका ईमान दृढ़ होगा। जयराम भाई कंसारा को आपने बीतक के माध्यम से श्रवण किया होगा। जब वहां एक घटना घटी, फिरंगी भाषा को सूचना मिली, एक शिकायतखोर ने शिकायत करने के लिए पहुंचा और लोगों को यह पता चला कि यह शिकायतखोर चुगलीखोर जाकर के शिकायत करेगा, फरियाद करेगा, जिसकी वजह से वो बादशाह आएगा और हम सबको जेल में बंद कर देगा। जैसे ही यह बात पता चली लोगों ने मंच में बैठना ही बंद कर दिया। और बहाना देखिए, किसी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि ये प्राणनाथ जी है कौन,
किसी ने कहा हम तो गए ही नहीं है, कोई ससुराल चला गया, कोई जंगल में चला गया, कोई शहर छोड़ के चला गया, पर कोई रुका। दूसरे दिन जब सभा लगती फिर से आते हैं। पहले दिन की सभा में जिस दिन ये घटना घटित हुई उस समय केवल कोई टीका तो केवल ना केवल जयराम भाई कंसारा का परिवार और जयराम भाई कंसारा। इसलिए कह रहे सात माह सैया धाम की ईमान वाली, जिसका ईमान श्रेष्ठ है, जिसकी आस्था अड़िग है, दृढ़ है, और दृढ़ आस्था वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक लाइन के अंदर सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त कर सकता है, जिसका ईमान डगमगा जाता है। इस निजानंद संप्रदाय की भक्ति करने से कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस फल के चक्कर में व्यक्ति आता है, नहीं मिला तो छोड़ करके किसी और संप्रदाय में, वहां नहीं मिला तो किसी और संप्रदाय में, पता नहीं कितनी संप्रदाय बदल लेता है और थक जाता है तो एंड में यही कहता है किसी को मानने लायक नहीं, एंड में वो महानास्तिक बन जाता है। वो शरीर की पूजा के लिए आया था और शरीर के कारण से उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो इच्छा पूर्ति ना होने की वजह से वो वापिस रिटर्न हो गया। और इसलिए सबसे पहले उदाहरण को रखने का कारण ये बना कि हमारा ईमान कितना दृढ़ होना चाहिए। वाणी के अंदर एक जगह और भी कहा है, जो रूह होवे अरस की सो पहले लावे ईमान, कि परमधाम की रूह होगी तो वो पहले तो आस्था लाएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब रेवादास पंडित ने ज्ञान सुना और ज्ञान सुनने के बाद तकरीबन 6 महीने तक रटा, वो 6 महीने तक रटने के बाद उस व्यक्ति को ईमान नहीं आया, रटता रहा केवल। एक दिन कारणवश ऐसा बन गया कि केशव दास जी वहां पर पहुंच गए और उनके जाने से उन्होंने कुछ शब्द सुन लिए थे, और जो शब्द सुने उस शब्द को सुनने के बाद बिन देखे बिन पहचाने, ना सुना है ना देखा है, पर एक लाइन से जान गए कि हो सकता ये मेरे प्राण के नाथ है, ये मेरे प्राण प्रियतम है, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है। तभी वो शब्द में कह देते हे प्रेवादास पंडित, तू पंडित का पंडित रह गया पर तुझे सत्य की पहचान नहीं हो सकी, वह तो अक्षरातीत था तुम्हें ना करी पहचान, अब मैं उतर ही जात हूं मुझे आया ईमान। ये शब्द ईमान वाला फिर से आया। ये ईमान की बात है, ये ब्रह्मंगना की बात है, हर किसी के कानों में पड़ेगा तो हर कोई व्यक्ति जल्दी समझ नहीं पाएगा और उसको अपना भी नहीं पाएगा। अपनाना इतना सरल नहीं है। मैंने कल भी चर्चा में कहा था कि ब्रह्म सृष्टि ही क्यों टिकी रहती है, क्योंकि परमात्मा की बातें केवल ब्रह्म सृष्टि को समझ में आती, हर किसी को नहीं समझ में आती। सरकार से एक उदाहरण दिया करते थे, दो पंजाबी भाइयों का, महाराष्ट्र की साइड में बैठे हैं शायद उनको याद है, एक उदाहरण में कहा करते थे, ते त्रियानो तिहाई कर 16-5 घटाए, जो तू चतुर सुजान हो तो 9-2 लेखे लाए। एक कहानी है कि पंजाब के दो भाई बाहर कमाने गए और कमाने गए तो दोनों भाइयों में, दोनों मित्रों में से एक मित्र जब रिटर्न अपने घर जा रहा था तो उनके मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी के लिए आप 11 रुपये लेते जाइए। भाषा समझिए पति और पत्नी की, ते त्रियानु तिहाई कर 16-5 घटाए, जो तू चतुर सुजानो है तो 9-2 लेखे, 9 और 2 कितने हुए 11। ये बंदा पूरा रटता रटता गया है रेवादास पंडित की तरह, ते त्रियानो तिहाई कर 16-5 घटाए, जो तू चतुर सुजानो तो 9-2 लेखे, रटता रटता पंजाब चला गया। पंजाब जाने के बाद उसके मन में थोड़ी खोट आई और खोट की वजह से उसने 5 रुपये ले लिए और 6 रुपये दिए। जब 6 रुपये देने के बाद उसकी पत्नी से पूछा, उस बहन से पूछा कि आप भी कुछ संदेश देना चाहती हो, तो बोले बिल्कुल।
उन्होंने संदेश में क्या कहा, तीन अट्ठे दो बारिया, सात आठ नौ होए, जो तू चतुर सुजान होए, तो चौकी ऊपर, चौकी ऊपर कितने दोए। ये रटता रटता वापिस उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो उनका मित्र नौकरी करता था। जब जाकर के उनको कहा कि आपकी पत्नी ने संदेश दिया है तो बता दो, बोले संदेश क्या दिया है, तो बोले संदेश में इतना कहा है, तीन अट्ठे दो बारियां, सात आठ नौ होए, जो तू चतुर सुजान होए, तो चौकी ऊपर दोए। उसका मित्र कहने लगा, इसका मतलब तू पांच रुपया खुद ही गटक गया है। बोलो श्री प्राणनाथ। वो कह रहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपको कैसे पता चल गया, कि खुद ही बता रहा है, हमने ये बताया, दुनिया की यही कहानी। वो आएंगे बैठेंगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, ईमान नहीं ला पाएंगे। आस्था लाना, विश्वास करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होगी। एक ब्रह्म सृष्टि है, वो ब्रह्म सृष्टि एक आत्म और परमात्मा, इन दोनों की बातें आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही समझ सकते, बाकी औरों के भेजे में ये चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ईमान को दृढ़ रखा और ईमान को कायम रखने के लिए इस दुनिया के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हमारी आस्था ऐसी परिपक्व हो कि घर में बीमारी आए तो टूटे ना, कोई आफत आए तो हमारी आस्था टूटे ना, हम आज किसी और जगह ना पहुंच जाए। जिस दिन मानव की आस्था टूटती है ना, उस दिन परमात्मा का रिश्ता ही टूट जाता है। आस्था ही भक्ति लाइन का मूल आधारशिला है। आस्था नहीं थी भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी, विश्वास ईमान नहीं थी भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले राज जी कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी लाइन का हो, कोई मेरे साथ रहना चाहता, तो बड़ी समझदारी के साथ आना, और जितना आप समझदारी से आओगे उतना ज्यादा अच्छा है। जानते हो, एक उदाहरण आपको दूंगा कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे, जब उन दोनों पुत्रों को वजीर खान ने बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद उनको एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर इतनी ठंड थी कि उनको चार दिन तक उस ठंड में कपड़े भी नहीं दिए गए, तो भी इन दोनों बच्चों का मन विचलित नहीं हुआ। परिस्थिति आगे बढ़ती, आगे बढ़ने के बाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कहा कि यदि कल के दिन तुमने यदि मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया तो हम आपको मरवा देंगे। दोनों बच्चे कह रहे हैं यदि मरना स्वीकार है पर हम अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते, हम अपने विश्वास को नहीं तोड़ सकते, हमने जो अपनाया है, हमने जो सीखा है, वो हमारा दृढ़ है। आप मार सकते तो कुछ शरीर को काट पाओगे लेकिन हमारे ईमान और आस्था को नहीं तोड़ सकते। छोटे से बच्चों को वहां पर चुनवा दिया, चणतर करवा दिया, उनकी श्वास घुट करके वो दोनों बच्चे मर गए, पर उन्होंने अपने ईमान को डगमगने नहीं दिया। उन्होंने कहा हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। यही आस्था, विश्वास जो मानव को बदल करके कहीं और ले जाता है, पर वही विश्वास यदि मानव के पास नहीं है। एक हिंदुस्तान के छोटे से बच्चे हम ब्रह्म सृष्टियों को, हम ब्रह्मंगनाओं को चुनौती दे रहे कि हम क्या चीज हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बोले हम ऐसा कर सकते हैं, तो क्या ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने परमात्मा पर आस्था नहीं रख सकती? हमारा तो ईमान तब डगमगा जाता यदि कोई निंदा भी कर देना तो भी व्यक्ति छोड़ करके चला जाता, इस महाराज ने हमारे बारे में ऐसा बोला था कल से हम आएंगे नहीं, इस सुंदर साथ ने हमारे लिए ऐसा बोला था कल से हम आएंगे नहीं। चाणक्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कहता, कहता है निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, के हे मानव तुम्हारी कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यतिष्ठम, कि यदि धन आए चाहे इसमें आने के बाद गरीबी आ जाए। मैंने बहुत जगह देखा, कई बार व्यक्ति सुंदर साथ बन जाता है, बीमारी और गरीबी ज्यादा आने लगती तो बोले इसमें गड़बड़ है, किसी और में चले जाते हैं।
श्री चाणक्य के श्लोक में क्या करा, लक्ष्मी आती है चाहे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अद्य वा मरण मस्तु युगांतरे वा, कि आज मर जाए या वर्षों के बाद मरे, न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, कि यदि आप सही रास्ते पर जा रहे हो और सत्य पर चल रहे हो, आपका ईमान पक्का होना चाहिए। मृत्यु आकर के खड़ी हो तो भी आपका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। और यही ईमान की वास्तविकता है, यही ईमान की खासियत है कि जब हमारा ईमान दृढ़ है तो समझ लीजिए कि भक्ति लाइन का पहला पाया अपना पक्का है। और जिसका ईमान दृढ़ है ना, वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अक्षरातीत हर सुंदर साथ के ऊपर जिसका ईमान पक्का है उसका विश्वास बना रहेगा, और जिसके विश्वास बने रहने से उसको आगे के जो मार्ग है वो खुलते चले जाएंगे। इसलिए इस मार्ग का वर्णन करने के लिए सबसे पहले कह रहे श्री महामत कहे, ईमान इश्क की भक्ति हो, प्रेममय भक्ति हो, और प्रेममय भक्ति के साथ उसके अंदर प्रेम हो। दूसरे लक्षण में कह रहे, दूसरे शब्द में कह रहे कि ये दोनों हो, और दोनों होने के साथ साथ दोनों की बराबरी समान अवस्था में होनी चाहिए। आपने कभी वो भजन सुना होगा, तननु से दीपक ने मननी से ज्योति, इश्क ईमान नो घी चलो हालो अपने परम धाम जइए रे। जिसने भी भजन बनाया बहुत सुंदर ही बनाया है। परम धाम जाने के लिए दो ही पंख का वर्णन किया है, एक इश्क और दूसरा ईमान, आत्मा है। उस आत्मा के दोनों पंख है और दोनों में से एक कटेगा, एक कम हो जाएगा तो ये उड़ नहीं पाएगी, ये अपनी मंजिल तक जा नहीं पाएगी। इसलिए दोनों की सख्त जरूरत है। और जिस दिन इन दोनों की वजह से आत्मा अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, इसलिए इस वाणी के माध्यम से ये कह रहे कि श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी शबर। अगले शब्द में कह रहे कि दूसरा क्या होना चाहिए, तो कह रहे कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या, आभार प्रकट। जीवन के अंदर ये तीसरे नंबर का लक्षण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दुनिया के अंदर जो ज्ञान किसी ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं हुआ, और वही ज्ञान किसी देव को नहीं प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हमें सरलता से मिला है। 14 तबक की दुनिया में, इस 14 लोक की दुनिया के अंदर, किन कहा ना एक हरप कि इस दुनिया के अंदर जिस ब्रह्म ज्ञान के विषय में, जिस परमात्मा के विषय में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, वो ज्ञान हमें सरलता से मिल रहा है। जबकि लोग हिमालय के अंदर जाकर के अपने शरीर को गला देते हैं और शरीर को गलाने के बाद भी उनको कुछ प्राप्त होता है, तो हो सकता है कि उनको परमात्मा की पहचान प्राप्त हो जाए, पर जबकि परमात्मा का घर पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हमें इतनी सरलता से प्राप्त है, और सरलता से प्राप्त होने के कारण से बोले दुनिया में कोई छोटी सी वस्तु दे दे, उसके लिए आप एक बार नहीं, कई बार थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हो, कई बार आभार शब्द का प्रयोग करते हो। आपको परमात्मा ने इस जंजाल से निकाला, एक बार तो धन्यवाद कर दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ। इतनी अवस्था से, इस दलदल की दुनिया से, जो दुनिया बिल्कुल छल से परिपूर्ण है, इस ब्रह्मांड से निकलना मुश्किल है, इतने कठोर तप करने के बाद लोग इस भव सागर से पार नहीं हो पाते हैं, लेकिन सरलता से राज्य ने कहा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए। सरलता से शब्दों में कह दिया कि मैं पार की बात को बताने आया हूं, इस दुनिया की बात को नहीं।
जो पार की बात लेकर के आए हैं, उस पार की बात को इस दुनिया में कोई नहीं जानता था, जबकि अक्षर ब्रह्म का भी वर्णन आता है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किनविद के लिए। अक्षर ब्रह्म खुद कहते कि परमात्मा के धाम के अंदर आनंद और प्रेममय लीला कैसी होती है मैं खुद जानता। कल या परसों की चर्चा में मैंने स्वामी जी के मुखारविंद से सुना था कि सखियों के एक नाखून के सौंदर्य को जब फर्स्ट बार अक्षर ब्रह्म देखते तो वो बेशुद्ध हो जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि एक नाखून में इतना सौंदर्य समाहित है, इस एक नाखून में इतना आनंद समाहित है, तो पूरे उस एरियो को मैं देखूं तो उसका आनंद क्या होगा। उस खेल को स्वयं अक्षर ब्रह्म मांग लेते हैं। इसलिए इस खेल को हमने मायावी खेल मांगा, तब अक्षर ब्रह्म ने कौन सा खेल मांगा? अनादि खेल मांगा। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई, दोई अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो, सोई एक अनादि फल की कामना किए, जिसको बोलते अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर ब्रह्म ने अनादि फल की कामना की और आनंद आनंद को प्राप्त किया, और उस अनंत आनंद को जब उन्होंने मांगा तो वो अनंत आनंद कहां पर मिला? योग माया के ब्रह्मांड में और ब्रज के अंदर उनको राज्य ने लीला करके बताए। जबकि इस दुनिया के अंदर अक्षरातीत की लीला को देखने के लिए लोगों ने केवल एक शब्द प्रयोग किया था कि परमात्मा कैसा है, तो बोले सत चित और आनंद स्वरूप है। पर आनंद स्वरूप कैसे है यह किसी ने व्याख्या नहीं की थी। पर जब रास की लीला हुई, ब्रज की लीला हुई, और ब्रज की लीला के बाद आनंद की व्याख्या हुई कि आनंद कहते किसे है, वो प्रेम कहते किसे है, प्रेम और आनंद की जो परिभाषा किसी ने सिखाई हो तो ब्रह्म सृष्टि ने। वाणी में वर्णन आता है प्रेम नाम दुनिमी ने ब्रह्म सृष्टि लाई। इतकी दो चीज की, आनंद और प्रेम की, किसी ने विशेष रूप से व्याख्या की हो या प्रैक्टिकल जीवन में किसी ने बताया हो, तो आत्मा और परमात्मा की जो लीला ब्रज में हुई और रास में हुई, उन दोनों ब्रह्मांडों के अंदर आनंद और प्रेम की लीला का प्रैक्टिकल करवाया गया, जिसके द्वारा मानव को पता चला कि एक निष्काम प्रेम भी होता है, और निष्काम प्रेम की वजह से इस प्रेम की परिभाषा ही अलग है। एक कामना युक्त प्रेम है और एक निष्काम प्रेम है, और निष्काम प्रेम के अंदर कोई कामना नहीं रहती। इसलिए परमात्मा को आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, तो उसके बारे में वर्णन आता रसेन तृप्त, रस से परिपूर्ण है, अकामो धीरो, जो कामना रहित है और रस से परिपूर्ण है, ऐसा वो परब्रह्म। और उस परब्रह्म के बारे में इस दुनिया में हमने जाना, वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आने के बाद हमें पार की बात और पार का ज्ञान दिए। इस छल के ब्रह्मांड से निकलने के दरवाजे को हमने खोजते खोजते थक गए, पर कहीं नहीं मिला, पर एक ही एक समय आया और ये ब्रह्म ज्ञान हमारे पास आया, जिसकी वजह से हमने इस ब्रह्मांड के बाहर जाने के दरवाजे को देख लिया। ये केवल वाणी है, इस वाणी के माध्यम से ही इस ब्रह्मांड के बाहर हम जा सकते। बाकी दुनिया के तमाम शास्त्रों के अंदर 14 लोकों के अंदर का ज्ञान तो अवश्य है, पर पार जाने का ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए कह रहे कि ऐसा ज्ञान देने वाला वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, माया से बाहर निकालने वाला वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हमें ज्ञान दिया तो ज्यादा नहीं, उसके नाम से कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए, कुछ उनके लिए हमें आभार प्रकट करना चाहिए। आपने वेद के मानने वाले को देखा है, वो वेद के मानने वाले में एक ही बात कही जाती कि कर्म करो तो समर्पित होकर के कर्म करो, ऐसा मत सोचो कि आप कर रहे हो, ऐसा सोचो कि परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। पर यहां कुछ उल्टा चलता है, अच्छा हो तो व्यक्ति क्या कहता है? मैंने किया। और जब बेकार बिगड़ जाता है तो क्या करता है? ऊपर वाले को दोष देता है, उसके कारण ही बिगड़ गया।
मानसिकता बन जाती है, और मानसिकता के कारण से जब भूल हुई तो परमात्मा के ऊपर दोष, और जब कुछ अच्छा हुआ तो खुद की महिमा का गुणगान। पर राज जी कह रहे हैं कि यदि आप किसी से कुछ प्राप्त करते हो तो उसको आप शुक्र गुजार हो, आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी तरफ कृतज्ञता बतानी चाहिए। और इसीलिए कह रहे शुक्र, शुक्र शब्द का प्रयोग किया है। अगले शब्द में कह रहे हैं, समय बता दीजिएगा मुझे पता नहीं, ठीक है, शुक्र गरीबी। अगला एक शब्द प्रयोग किया गरीबी। गरीबी का तात्पर्य ऐसा मत सोच लीजिए कि हर सुंदर साथ को पैसे हीन हो जाना। गरीबी का तात्पर्य कि विनम्रता और शालीनता। विनम्रता और शालीनता आध्यात्मिक जीवन में क्यों जरूरी है, तो इसका सिंपल सा मेथड है कि यदि आप इस जीवन में आते हो, चंदन है तो चंदन में सुगंध ना हो तो उस चंदन का क्या मतलब, बल्ब है पर लाइट नहीं आती हो उस बल्ब की क्या कीमत, इंसान है पर इंसान के गुण ही नहीं हो तो उस इंसान की क्या कीमत। नीतिकार ने एक बात कही, ये साम ना विद्या तपो ना दानम ज्ञानम ना शीलम, शीलम शब्द प्रयोग, ज्ञानम ना शीलम गुणो ना धर्म ते मृत्यु लोक के भूमि भार भूता। कि जिसके जीवन में शील ना हो, जिसके जीवन में धर्म ना हो, जिसके जीवन में गुण ना हो, ऐसा व्यक्ति ते मृत्यु लोक के, मृत्यु यानी धरती के ऊपर, ते मृत्यु लोक के भूमि भार भूता। कि ऐसा मानव जीता तो है पर कैसा है, भार बन के जीता है। और हमें धरती का भार बनना नहीं है, इसलिए सील का जो उदाहरण दे रहे हैं कि शिष्टाचार मानव जीवन का वो एक आभूषण है कि जिस आभूषण के बिना व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं। इसलिए इस बात को दोहरा दिया कि फूल है तो फूल में सुगंध ना हो तो उस फूल की कोई कीमत नहीं होती है, मानव है पर मानव की, मानव के गुण ना हो तो उस मानव की कोई कीमत नहीं होती। जीवन में याद रखना विनम्रता क्यों जरूरी है। कोई गरीब भी होगा ना और यदि विनम्र होगा तो उसके घर हर कोई जाना चाहेगा। यदि कोई अमीर होगा और उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो सोचेगा कि बड़ा अहंकारी, पास में जाने लायक व्यक्ति, और घबराएगा व्यक्ति, जाना पसंद नहीं करेगा। पर विनम्र व्यक्ति के घर हर कोई जाना पसंद करेगा। इसलिए वाणी के अनुसार या फिर वेद के अनुसार मैं कहूं तो व्यवहार मीठा होना चाहिए। मीठा यानी प्रीतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिस व्यवहार की वजह से हमारी जो शालीनता है वो बनी रहे, और इस शालीनता की वजह से हमारा जो जीवन है वो एक उच्च आदर्श जीवन बने। ऐसी करनी कर चलो जग रोए और हम हंसे, ऐसी करनी मत करियो जग हंसे और हम रोए। जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में हमारे पास जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ है, पर ज्ञान के साथ साथ अपनी ही क्वालिटी खराब है तो ज्ञान क्या करेगा। एक उदाहरण दूंगा, जब बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने निकले, जो भिक्षा मांगने निकले तो बुद्ध सामने वाले की परिस्थिति जान गए थे, ना उसके अंदर शालीनता थी ना उसके अंदर विनम्रता थी, बड़ा अकड़ू टाइप का व्यक्ति था। अकड़ू टाइप के व्यक्ति ने जब भिक्षा देनी पसंद करी तो बुद्ध ने अपना पात्र आगे किया, पर बुद्ध को पता चला उसके मन की बात तो बुद्ध ने पात्र वापिस खींच लिया और उसी पात्र में छाण डाल करके लेके आए और कहा कि अब इसमें भिक्षा डाल दीजिए। वो व्यक्ति कहने लगा इससे तो मैं जो दे रहा हूं वो गंदा हो जाएगा। बुद्ध कहने लगे मेरा पात्र गंदा होगा आप उसको डाल दीजिए, पर वो व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी वस्तु भी बिगड़ जाएगी। तब बुद्ध समझाते कि जीवन के अंदर, मानव जीवन की यदि पवित्रता ना हो,
मानव जीवन के अंदर अच्छे गुण ना हो, अच्छी विशेषता ना हो और उसके अंदर ज्ञान कितना भी डालते जाओ, पर वो ज्ञान जाने के बाद विपरीत दिशा में चला जाता है। ज्ञान तो है पर कैसा हो जाएगा, विपरीत दिशा में चला जाता है। जैसे किसी मां बहन के हाथ में चाकू पकड़ाओ तो क्या काटेगी, सब्जी काटेगी। और यही चाकू किसी हथियार किसी डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो क्या करेगा, किसी की प्राण की रक्षा कर लेगा ऑपरेशन करके। पर यही चाकू किसी चोर के हाथ में चली गई तो क्या होगा, अवस्था बदल जाती। कई बार ज्ञान व्यक्ति के लिए हितकर होता है और कई बार वही ज्ञान अहितकर भी हो जाता है। जब हमारे अंदर प्रॉब्लम हो तो वो ज्ञान कई बार अहितकर होता है। जैसे कई बार कहते हैं कि बादलों से पड़ने वाली बूंद तवे पर पड़े तो वो बाष्पी भवन बनती है, किसी प्यासे के मुख में पड़े तो प्राण जीवनदायिनी हो जाती है, और वही बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो वो जहर बन जाती है। ज्ञान वही होगा, बूंद वही होगी, पर उस ज्ञान का साइड इफेक्ट अलग अलग होगा। अहंकारी के हाथ में जाएगा तो उसका इतना दुरुपयोग करेगा कि दुनिया को गुलाम बना देगा। सर बोलो श्री प्राणनाथ जय हो। किसी साधु और किसी सरल सज्जन व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो दुनिया को साधु बना देगा, सही मार्ग पर चढ़ा देगा। प्रयोग करने के तरीके व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं, उस प्राप्त होने के बाद ही डिसीजन होता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं आप लोग इतना ज्ञान सुनाते हो, उस ज्ञान का परिणाम क्या आता है, तो इतना हम कहेंगे कि परिणाम व्यक्ति के आधार पर होता, हमारे आधार पर नहीं होता है। जो ले रहा उसका पात्र कैसा, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि उसके पात्र में सही गया या नहीं गया। तो इसीलिए ये जो शुक्र गरीबी शबर और एक अंतिम शब्द है कह रहे शबर यानी संतोष। संतोष केवल तीन चीज में करना चाहिए, अध्ययने तपदान हो। संतोष करो तो अध्ययन में संतोष मत करना, और तप में संतोष मत करना, और दान देने में संतोष मत करना। संतोष करना तो तीन चीज में, स्वदारे भोजने धने, भोजन में, स्वयं की इच्छाओं पर, और धन के प्रति अधिक आकर्षित ना होना। ये तीन चीजों में संतोष करने लायक वस्तु है, और अध्ययन तप और दान में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, ये निरंतर होना चाहिए। और इन्हीं पांच अनमोल रत्न को राजजी महाराज ने दिया, और राजजी महाराज कह रहे हैं कि कहे श्री महामत कहे ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सवर इनविद रूहे दोस्ती धनी की, कि यही एक आधारशिला है जो परमात्मा के साथ जोड़ने की। प्यार कर सको त्यों कर, कि इसके माध्यम से आप परमात्मा को कैसे रिझाते हो ये आपके हाथ में होगा, और ये आप उसको डिसाइड कर पाएंगे। तो ये वाणी की चौपाई हर सुंदर साथ को ये जो पांच अनमोल चीज दी है, इसके माध्यम से हम अपने जीवन को परमात्मा के सानिध्य में सदा रख सकते हैं। दोस्ती यानी कि सदा हम परमात्मा के पास रह सकते हैं, ऐसा एक संबंध जुड़वाने वाली चीजें हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको ले या ना ले। ले तो ब्रह्म सृष्टि की लाइन है, ना ले तो बाकी आप ही डिसाइड कर सकते। बोलो श्री प्राणनाथ तो प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे श्री महामति कहे ईमान इश्क की, श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, शुक्र गरीबी सबर, इनविद रूहे दोस्ती धनी की, इनविद रूहे दोस्त धनी की, प्यार कर सके त्यों कर, प्यार कर सके त्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।